हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो अज एक नवी वीडियो लेके आए हैं जिस विच आपां गल करांगे पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ जिहड़ा पीजी ला 3 साल का कोर्स है उसके बारे, जिहड़ा कि उसका एग्जाम हुंदा एडमिशन दे लई, जिन्हों के इंट्रेंस एग्जाम की गल करते आपां, वो जिहड़ा कंडक्ट किया जाता यूनिवर्सिटी वल्लों, तो उसके बारे आपां देखांगे किवें उस विच प्रश्न आउंदे हन, किन्ने नंबर के प्रश्न आउंदे हन, किहड़े-किहड़े उहदे पैटर्न की है एग्जाम का, तो वह आप सारा इतने डिस्कस करा। आप एक पिछले साल का एक पेपर लेके आए हैं जिसनों आप इतने रीड करा, तो विद आंसर थोड़ा दसागे, वह एक स्कीम थोड़ा पता लग जाएगा। जिहड़े इसकी तैयारी कर रहे हैं उन्होंने वास्ते बहुत ही बेनीफिट जिहड़ी कि वीडियो होगी, बहुत ही लाभवान वीडियो होगी है, तो उन्होंने एक आइडिया हो जाना कि किस तरह का आप तैयारी करनी है, किस तरह आप एग्जाम होना अपने सामने आप उस वधिया ढंग कर सकते हैं। तो उस आप एक वीडियो लेके आए हैं जिस आप सारी डिटेल जानेंगे। लो जी, अगर तुसी साडे चैनल ते नवे हो तां चैनल सबसक्राइब करो, बैल आइकन दबना ना भुलना। लो जी, पता टाइम ना बर्बाद करते हुए आपां वीडियो करते स्टार्ट। तुहाडे सामने हुण इक इधर देख सकते हो पीजी ला 3rd ईयर, मतलब 3 सालों का कोर्स है जिहड़ा कि पीजी ला जिहनूं कहिंदे आ। उस तों बाद पंजाब यूनिवर्सिटी 2 टाइप के ला करवाउंदी आ, एक 5 ईयर LLB इंटीग्रेटर, उस तों बाद कि पीजी ला। तो आप अज पीजी ला की गल करांगे, जिहड़ा कि पोस्ट ग्रेजुएशन ला जिहनूं कहिंदे आ, उहदा एंट्रेंस एग्जाम दे बारे, जिहड़ा कि यह पेपर है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ लई भी है, पंजाबी यूनिवर्सिटी कंडक्ट करदी, उस दे विच भी इदां दे प्रश्न आउंदे ने। अमृतसर जिहड़ी कि यूनिवर्सिटी है, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, उस तरह के बहुत सारिया यूनिवर्सिटियां कंडक्ट करदियां हन। तो आप अज पंजाब यूनिवर्सिटी के बारे देखांगे। तो सब तो पहले आप जिहड़ा कि स्कीम टैसट की देख लैंदे आ, जिहड़ा कि एग्जाम की आ, जिहड़ा कि ड्यूरेशन है 1 घंटा 30 मिनट, डेढ़ घंटा जिसनों टाइम मिले होया है। तो यह एग्जाम जिहड़ा कि 100 मार्क्स का होगा, तो ये जिहड़े कि 3 सैक्शन होणगे, 1, 2 ते 3। पहले सैशन जिहड़ा कि करंट अफेयर ते जनरल नॉलेज आएगी 40 नंबर का, उस तो बाद लीगल एप्टीट्यूड जिहड़ा कि कह सकते आप कि लाओ दे अकॉर्डिंग कुछ भी है ना, जो भी उन्होंने सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पेपर तुसी अरेंज करना, वो 40 नंबर का आएगा। उस तो बाद जिहड़ा कि रीजनिंग एंड नॉलेज ऑफ इंग्लिश, वो भी 20 नंबर का आएगा। टोटल मिला के जिहड़ा 100 मार्क्स के प्रश्न आवणगे तुहानू, मतलब 100 ही प्रश्न होणगे इस तरह के। तो हुण आपां चलदे आं भी सब तो पहला अपना प्रश्न आ जिहड़ा कि तुहाडे सामने है, आप देख सकते हैं इत्थे जिहड़ा पीजी ला दे जिहड़ा सब तो पहला प्रश्न आ उसके बारे देखते हैं, तो उसनों आपां रीड करते हैं, तो उहदे नाल दी नाल तुहानू आंसर भी दसदे जावांगे। जिहड़ा सब तो पहला जिहड़ा कि प्रश्न है अपने कोल, विच कंस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट हैज़ बीन द पास, इत्थे पास लिखेगा पास बाय द पार्लीमेंट टू प्रोवाइड द रिजर्वेशन फॉर द इकनोमिकली वीकर सैक्शन। तो उहदा जिहड़ा कि आंसर 4 दिते हुए ने, सॉरी अंत ये मल्टीपल चॉइस आ, ए जिहड़ा कि 102, बी 103, सी 100, उस तो बाद डी 101 आ। जिहड़ा कि इहदा सही आंसर होगा वह होगा बी, 103 दे अकॉर्डिंग है जिहड़ा कि 103 आपां कह सकते हैं इहदा सही आंसर है। तुसीं इस चीज़ का 100 आपदे नोट करते जाओ, अपना कापी पेन लैके ना रखियो, तां जो जो भी मैं इत्थे प्रश्न बोल रहा हां तुसीं उस नूं नोट करते जाओ, तां कि तुहानूं बेनीफिट होवे। दूसरी बार वीडियो अगर तुहानूं तुसीं नहीं भी नोट करना चाहुंदे तुसीं इह फिर तो अपनी वीडियो देख सकते हो। हुण आपां सैकंड क्वेश्चन वाल चलते हैं, तो उस तों देखते हैं जिहड़ा कि सैकंड क्वेश्चन आ, उस दा विच इज़ द फस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इंप्लीमेंट 10% कोटा फॉर द इकनोमिकली वीक इन द जनरल कैटेगरी। तो कि इदा की स्टेट ने इंडिया की ने 10% कोटा दिता सी जनरल कैटेगरी इकनोमिकली वीक सैक्शन। तो ये जिहड़े कि 4 ऑप्शन ने, ए जिहड़ा केरला, बी बिहार, सी गुजरात, डी महाराष्ट्र। जिहड़ा कि इहदा सही आंसर है वह तुहानू दसना चाहवांगा कि सही आंसर जिहड़ा है इहदा इहदा सी आंसर है, सी आंसर इहदा सही है गुजरात। गुजरात ने जिहड़ा कि 10% कोटा दिता सीगा जनरल कैटेगरी। उस तों बाद आपां नैक्सट जिहड़ा कि 3rd, 3rje नंबर ते प्रश्न उस दे वल चलदे हां, तो उसनूं आपां रीड करदे हां। जिहड़ा कि विच कंट्री प्रेजीडेंट अटेंड द 2090 विच किहड़े देश का प्रेजीडेंट अपनी रिपब्लिक डे दे एज ए चीफ गैसट बन के आया सीगा। तो उहदे विच जिहड़े कि आंसर आ तुहानूं दित्ते होए ने, ए जिहड़ा ऑप्शन आ USA, बी थाईलैंड, सी मलेशिया, डी साउथ अफ्रीका। तो जिहड़ा सही आंसर है वह डी होगा, तो डी आंसर है जिहड़ा कि साउथ अफ्रीका का सही आंसर है। तो इत्थे तुसीं ध्यान रखना 2016 नहीं 2019 आए इत्थे। उस तों बाद आपां देखते हैं अगला 4th प्रश्न, विच सिंगर हैज़ बीन अवार्डड द भारत रत्न अवार्ड इन 2019। तो ये जिहड़ा कि ऑप्शन ए लता मंगेशकर, भुपेन
हजारिका, उस तो बाद सी है जरा कि आशा भोसले, उस तो बाद डी है श्रेया घोसले। उस तो बाद जरा कि सही आंसर होगा यदा सही आंसर बी होगा। बी का सही आंसर है भुपेन हजारिका, जिन्हों की भारत रत्न अवार्ड मिले 2019 सिंगिंग दे। उस तो बाद जरा कि पंजवा अपने को प्रश्न आ गया, पंजवें की हम रीड करना चाहवागा। हू बिकम द फास्टेस्ट इंडियन टू क्लेम द 100 ODI विकट। उस जो ऑप्शन है ए मुहम्मद शमी, उस तो बी है जसप्रीत बुमराह, जो सी है रविंदर जडेजा, उस रविचंद्र अश्विन। तो जरा सही आंसर होगा वह होगा ए मुहम्मद शमी। मुहम्मद शमी इसका सही आंसर होगा। उस तो बाद आप गल करते हैं अगले की छीवें जो प्रश्न आ छीवें वाल चलते हैं। जो सिक्स प्रश्न अपने को आ गया है 2019 प्रवासी भारतीय दिवस विल बी हैल्ड इन विच सिटी, किहड़ी सिटी विच इह हैल्ड मतलब होया सीगा। उहदे विच तुसी ए ऑप्शन है जिहड़ा कानपुर, बी आ भोपाल, उस तो सी आ सूरत, उस तो बाद डी आ वाराणसी जिहनूं बनारस भी कहिंदे ने। तां उस दा जिहड़ा सही आंसर होवेगा इसका, इसका सही आंसर मैं तुहानूं दसना चाहांगा डी, इसका सही आंसर है बनारस, जिहनूं कि वाराणसी भी कहिंदे हन, काशी जिथे कि हिंदू यूनिवर्सिटी है। उस तो बाद अपना नैक्सट जो प्रश्न वाल चलते हैं सातवें प्रश्न वाल, तो वह तुम रीड करना चाहोंगे विच मूवी वॉन द बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा इन 2019 गोल्डन ग्लोब्स। तो वो जो ऑप्शन ए आ द वाइफ, बी ग्रीन बुक, उस तो डी है बोहिमिया, उस तो बाद डी है जरा कि रोमा। तो ये जो सही आंसर होगा वो सी, इसका बहुत सही आंसर है बोहिमीनियम, जरा कि जिहड़ा इसका सी आंसर राइट आंसर है। उस तो बाद आप अगले तो अठवें चलते हैं इन विच स्टेट इंडिया फस्ट एक्वा मैगा फूड पार्क कमिश्नर। तो ये जो कि ऑप्शन है तमिलनाडु, बी है केरला, सी आंध्र प्रदेश, डी उड़ीसा। जिहड़ा कि सही आंसर होगा वह होगा सी, सॉरी सी इहदा सही आंसर है आंध्र प्रदेश। उस तो बाद आप नैक्सट जी गल करते हैं वो है नौवां प्रश्न वाल चलते हैं विच कंट्रीज़ कंपनी सेंड द वर्ल्ड फस्ट प्राइवेट फंडड मिशन टू मून। जिहड़ा कि ये ऑप्शन अपने को आस्ट्रेलिया, बी USA, उस तो बाद सी चाइना, डी इजराइल। तो यह जो कि सही आंसर जो होगा इसका, इसका होगा वो डी, इसका सही आंसर होगा इजराइल। उस तो बाद आप नैक्सट जो तेन दसवें प्रश्न वाल चलते हैं द स्पैशल ओलंपिक वर्ल्ड समर गेम्स 2019 इतने 2019 है 2019 वर हैल्ड इन केड़ी शहर मतलब केड़े विच होया सीगा। उहदे विच ए ऑप्शन है दुबई, बी अबूधाबी, सी दोहा, उस डी आ मुस्कैट। जिहड़ा कि सही आंसर इसका होगा वह होगा अबूधाबी। जिहड़ा कि अबूधाबी विच ये ओलंपिक वर्ल्ड समर गेम्स होया सी 2019 वाला। उस तो बाद आप नैक्सट आप चलते हाँ जरा 11वें प्रश्न वाल विच कंट्रीज़ कैपिटल इतने हैज़ बीन रिनेवर नर सुल्तान। जिहड़ा कि इहदा सही जिहड़े कि ऑप्शन चार दिते होए ने इहदे विच जिहड़ा कि सही आंसर होगा इसका होगा डी कजाकिस्तान। कजाकिस्तान इहदा सही आंसर उसने अपना ही कैपिटल का नेम ये रख दिता है, रिनेम किया। उस तो बाद आप जिहड़ा कि 12वें प्रश्न वाल चलते हैं विच बैंक विकम द सैकेंड लार्जेस्ट बैंक इंडिया 1 अप्रैल 2019। तो 2019 जरा कि ए ऑप्शन आ बैंक ऑफ बड़ौदा, बी दाना देना बैंक, उस इलाहाबाद बैंक, उस डी है यस बैंक। उसका जरा कि सही आंसर होगा इसका ए है बैंक ऑफ बड़ौदा। उस तो बाद आप जरा कि अगला प्रश्न 13वें प्रश्न वाल चलते हैं अंडर विच प्रोजेक्ट हैज़ इंडिया सक्सैसफुली टैसट फायर एंड एंटी सैटेलाइट, इन ए सैट भी कहें मिजाइल बाय द शूटिंग डाउन ए लाइव सैटेलाइट। जरा कि ऑप्शन है ये चार ऑप्शन मिशन वायम, उस मिशन शक्ति, उस मिशन गगन, उस तो बाद मिशन धरती। जरा इसका सही आंसर होगा वो होगा बी मिशन शक्ति का, जरा कि सही आंसर है। उस तो बाद आप नैक्सट चलते हाँ द प्रेजिडेंट रामनाथ कोविंद हैज़ बीन ऑनर्ड विद द हाईएस्ट सिविलाइजेशन अवार्ड। तो वो तुम देख सकते हो ऑप्शन ए नेपाल, बी म्यांमार, उत्तर क्रोटिया, उतो बेल्जियम। इसका जरा कि सही आंसर होगा इस वाल आप लै चलते हैं, जरा इसका सही आंसर है वह है सी, सी इसका राइट आंसर है। उस तो बाद आप नैक्सट जरा कि 15 नंबर जो प्रश्न वो रीड करना चाहवागा
हु हैज़ बीन द अपॉइंटेड एज द फस्ट लोकपाल ऑफ इंडिया। तो उसका जरा कि नाम दसना पा जो फस्ट लोकपाल ऑफ इंडिया बनाया से अपने उस तो बाद जो कि ये चार ऑप्शन ने ए दीपक मिश्रा, बी मदन लोकर, उस तो बाद सी आ मरकंडे, उस तो बाद पिंकानी चंद्रा गोसले गोसे सॉरी। ये जो सही आंसर होगा या जो पंद्रहवें का डी आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर है इसका। उस तो बाद आप सोलहवें प्रश्न वाल चलते हैं। तो सोलहवें प्रश्न में आप देखते हैं विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड द वर्ल्ड फस्ट 5G नैटवर्क। तो ये जिहड़ा कि ई ऑप्शन है वह है साउथ कोरिया, बी सिंगापुर, सी जापान, जो डी मलेशिया। जो सही आंसर होगा सोलहवें का उन्होंने वालों तुम दसना चाहवागे सोलहवा जो सही आंसर है वह ए साउथ कोरिया का सही आंसर है जिसने 5G लॉन्च किया मोबाइल नैटवर्क। उस तो बाद आप सतारवें वाल चलते हैं। सतारवा जरा कि प्रश्न है विच इज़ द नेम ऑफ इंडिया लोंगेस्ट सस्पेंशन ब्रिज बिल्ट ले बाय द इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी ने जो कि लार्जेस्ट ब्रिज है जो कि बनाया से उसका जरा कि है सरदार ब्रिज, उस तो बाद गगन ब्रिज, उस तो मैत्री ब्रिज, उस तो बाद महात्मा ब्रिज। तो सही आंसर होगा वह होगा सी मैत्री ब्रिज। उस तो बाद आप नैक्सट जरा कि 18वें नंबर प्रश्न पर चलते हैं विच टीम हैज़ वॉन द अजलान शाह कप 2019। उसका जरा ए जापान, बी इंडिया, सी अर्जेंटीना, डी साउथ कोरिया। जरा इसका सही आंसर होगा वह होगा डी साउथ कोरिया। उस तो बाद आप 19 जरा कि 19वें प्रश्न वाल चलते हैं वर्ल्ड थिएटर डे इज ऑबजर्व ऑन ए जरा है 29 मार्च, बी 27 मार्च, उस तो डी 28 मार्च सॉरी सी 28 मार्च, उस तो डी 26 मार्च। जरा इसका सही आंसर होगा वह होगा बी 27 मार्च। उस तो बाद आप जो कि 20 नंबर जो प्रश्न से चलते हैं क्वेश्चन से रीड करते हैं हु वॉन मैनस द सिंगल्स टाइटल द इंडिया ओपन बैडमिंटन 2019। तो ये जो कि ऑप्शन चार दिते हुए हैं तुम देख सकते हो विक्टोर, उस तो बाद ली जंग, वंग ची ली, उस तो श्रीकांत केनलंबी। उस तो बाद जो कि सही आंसर इसका होगा वह होगा ए जरा कि इसका राइट आंसर है। उस तो बाद आप 20 नंबर जो उस तो बाद जो कि आप नैक्सट प्रश्न वाल चलते हैं 20 नंबर जो कि प्रश्न विच कंट्री हैज़ द डिवेल्प द फस्ट वर्ल्ड फस्ट 3D वैसकुलराइज इंजीनियरिंग हार्ट। तो उसका जो कि ए इजराइल, बी जापान, सी इंडिया, डी USA। जो कि सही आंसर होगा वह होगा ए इजराइल। उस तो बाद जो कि नैक्सट प्रश्न वाल चलते हैं 22 जो कि जीरो पंडेंसी कोर्ट प्रोजैक्ट इज द पायलट प्रोजैक्ट ऑफ द आप दसना है ए कोलकाता हाई कोर्ट, बी चेन्नई हाई कोर्ट, उस तो सी कोची हाई कोर्ट, उस तो डी दिल्ली हाई कोर्ट। जरा यदा बाईवें का जो सही आंसर होगा राइट आंसर होगा वह होगा डी दिल्ली हाई कोर्ट। उस तो बाद आप नैक्सट जो प्रश्न वाल चलते हैं 23 हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ वॉन द ACG अवार्ड फॉर इनवेस्टिगेटिव जर्नलिज्म 2018। तो जरा कि ए ऑप्शन है सागरिका घोष, उतो श्रीनीन भान, उतो नीलम MS, उस तो बाद रवि कुमार। तो जो सही आंसर होगा वह होगा सी दा राइट आंसर है। उस तो बाद आप नैक्सट चलते हैं 24 नंबर जरा कि क्वेश्चन उस वाल चलते हैं तो एब्रीवेशन CD स्टैंड फॉर उसका जरा ए है कमर्शियल डिमांड, उस तो बाद बी कैश डिपोजिट, उस तो बाद सी सर्टिफिकेट ऑफ डिपोजिट, उस तो बाद सी है कमर्शियल डॉक्यूमेंटेशन। जो कि सही आंसर होगा वह होगा 24 नंबर जो क्वेश्चन वह सही आंसर जो कि सी है सर्टिफिकेट ऑफ द डिपोजिट। उस तो बाद जो कि 25 जो प्रश्न उस बाल चलते हैं हु इज़ द राइटर ऑफ द बुक पटना ब्लू। जो कि पटना ब्लू जी बुक जिसने लिखी है उसके ऑप्शन ए विवेक राय, बी प्रकाश झा, उस तो भिखारी ठाकुर, उस तो बाद अब्दुल खान। जो कि राइट आंसर होगा वह है डी अब्दुल खान। उस तो बाद नैक्सट जो आप चलते हैं 26 नंबर जो कि प्रश्न उस बाद चलते हैं इन द ह्यूमन आइज अमेज जो कि अमेज एंड ऑब्जेक्ट इज फॉर्म एट द डैश
दसना है अपना जी इमेज जी कि आई की इमेज कितने बनती है ऑब्जेक्ट की, तो वो दसना है ए आ रटीना, बी कॉर्निया, सी आयरिस, डी पीपल। पीपल तो ये जो कि राइट आंसर होगा वह होगा ए जी कि रटीने से अमेज बनती है। तो इस तरह एक आईज होगी अपनी उसके पिछले रटीना है ऑब्जेक्ट रखे हुआ इस तरह आ जाएगा उन्हें अमेज इस तरह बनती है इसमें आईज आईज करके ए रटीना इस तरह इमेज बनती है। उस तो बाद जो कि 27 नंबर जो कि प्रश्न उस बार चलते हैं इलैक्ट्रिक मोटर जो वर्क ऑन द प्रिंसीपल किस प्रिंसीपल से वर्क करती है। उस तो बाद सब तो न्यूटन सलाह उस ओम्स लॉ इलैक्ट्रोमैगनैटिक इंडक्शन उस तो डार्विन थ्योरी जो कि तुम्हें मैं थोड़ा दसना चाहवाँगा न्यूटन लॉ जो कि फोर्स से है फिजिक्स से है ओम्स लॉ जो कि इलैक्ट्रिकल जो कि लॉ गए उस तो बाद मैगनैटिक इंडक्शन जो कि एक मोटर चलती है इलैक्ट्रिक मोटर वर्क कर दी एक मैगनैटिक एंड इलैक्ट्रिक फील्ड करके यही वर्क करती है। तो डार्विन थ्योरी जो कि बायोलॉजी की थ्योरी है डार्विन की लिविंग ऑर्गेनिजम की राइट आंसर होगा वह होगा सी इसका राइट आंसर होगा। उस तो बाद 28 जो नंबर प्रश्न आप देखते हैं विच स्टेट बिकम द फस्ट स्टेट फिक्स ए मिनीम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर द कंटेस्टिंग इलैक्शन इन द पंचायती राज इंस्टीट्यूशनल तो आप दसना है वो जो कि ए कर्नाटका बी राजस्थान सी उत्तर प्रदेश डी आंध्र प्रदेश जो यदा सही आंसर होगा 28 नंबर जो प्रश्न का वह होगा बी राजस्थान ने जो सब तो पहला अपना किया मिनीम एजुकेशन क्वालिफिकेशन का कॉन्सैप्ट लैके आए थे। उस सॉरी ये 29 जोड़ा कि प्रश्न आ उसका मैं थोड़ा जहा 29 जोड़ा कि प्रश्न आ उस वाल देखते हैं ये गलत लिखे हुआ 29 तो उस देखते हैं इन विच द स्टेट असैम्बली इलैक्शन नोटा बटन हैज़ यूज EVM मशीन फॉर द फस्ट टाइम तो ये जोड़े कि चार ऑप्शन ने ये जो राइट ऑप्शन होगा वह डी होगा 14 स्टेट असैम्बली इलैक्शन 2013 के नोटा जरा कि वटना लैके आए थे। तो उस जो नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हाँ 13 वाल द फस्ट मैटल यूज बाय द मैन मैन द्वारा जी फस्ट मैटल यूज की गोल्डन गोल्ड अलमीनियम कॉपर तो सी आयरन जिरा सही आंसर होगा वह होगा कॉपर। उस तो बाद आप नैक्सट प्रश्न वाल चलते हाँ जो कि 31 जो कि प्रश्न उसके वाल चलते हाँ उसको देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग द इज़ द बैलेंस फर्टिलाइजर फॉर द प्लांट बैलेंस फर्टिलाइजर कह रहा ए ऑप्शन अलमीनियम सल्फेट बी नाइट्रेट्स सी यूरिया डी कंपोस्ट जोड़ा कि सही आंसर होगा डी होगा कंपोस्ट। उस तो बाद नैक्सट जो कि 32 नंबर प्रश्न वाल चलते हैं उसको रीड करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फास्ट ग्रोइंग ट्री उस तो बाद जो कि ये चार ऑप्शन ने है कोकोनट यूकेली कैलीपट्स उत टीक्स बनियान वो जो सही आंसर होगा इसका वह होगा पी जू कैलीपट पट्स है जो कि प्लांट का नाम आ ये सब तो ज़्यादा ग्रोइंग करता तेज करता। तो थर्टी थ्री विच प्रीफिक्स इज द ऑफन यूज द साइंटिफिक टर्म टू इंडीकेट द समथिंग इज सेम और इक्वल और कॉन्सटेंट जो कि ये चार ऑप्शन दिते हुए हैं क्वासी मैटा मैगा आइसो जो राइट आंसर होगा वह होगा डी आइसो जिदा कि आइसोटोप्स आइसोबार इस तरह का तुम देख सकते हो जिदा सेम सेम एक था कि कुछ भी सेम हो जाए इक्वल हो आइसोबार आइसोटोप्स बहुत सारे ये साइंस में पढ़ते होंगे ये साइंस की गल ही की है तुम ये थोड़ा ध्यान देना। उस तो बाद जो कि 34 जो प्रश्न उस चलते हैं वट इज मून मून की कमेट स्टार सैटेलाइट और प्लैनेट जो कि सही आंसर होगा तुहानू दसना चाहवांगा ये सैटेलाइट है। उस तो बाद जो कि हैवीएस्ट मैटल इन द वर्ल्ड जो कि सब तो भारी मैटल है जी कि वर्ल्ड की वह दसनी है ये है टंगस्टन उस तो बाद ओसम ओसमियम गोल्ड प्लेटिनम जो कि सही आंसर होगा वह है बी तुम ध्यान देना जो कि आंसर सही है बी ओसमियम एक भारी है भी मैटल उस तो बाद 36 जो कि अपने को प्रश्न आया उदा देखते हैं विच स्टेट गौरमेंट हैज द रिड्यूस द टेन्योर लोकयंता फ्रॉम द 8 years टू 5 years लोग युक्त आए मतलब जोड़ा कि घटा दिता पीरियड टेन्योर। उस तो बाद देखते हैं ए वैसट बंगाल बी राजस्थान सी आंध्र प्रदेश डी हरियाणा जोड़ा कि राइट आंसर होगा वह होगा बी राजस्थान ने।
उस तो बाद आप 37 जो कि प्रश्न उसके वाल चलते हैं उसनों पढ़ते हैं। जगदीश मुखी वाज अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ विच स्टेट, कि स्टेट का गवर्नर उन्होंने नियुक्त किया, नागालैंड, बी मणिपुर, सी मिजोरम, डी त्रिपुरा। तो ये जो राइट आंसर होगा वह होगा सी मिजोरम। मिजोरम का उन्होंने गवर्नर अनाउंस किया, मतलब बनाया सी, नियुक्त किया। 38 जो प्रश्न उसनों देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द फॉर्ब्स बिलियनेयर लिस्ट 2019, हु इज़ द वर्ल्ड वेल्थीएस्ट पर्सन, जो सब तो अमीर इतने मनिया गया 2019 जो कि बिलियन लिस्ट आया से, ये बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, मार्क जकरबर्ग, जेफ बेजोस जो कि बिल गेट्स आ, तो जकरबर्ग फेसबुक का जो कि आप पढ़िया बहुत सारा, तो उस जो कि सही आंसर राइट आंसर आएगा वह होगा डी जेफ, आई थिंक एमाजॉन। उस तो बाद जो कि 39 जो प्रश्न उसके वाल देखते हैं, रीड करते हैं। Who has been the appointed as the chief scientist to the World's Health Organization? उस तो बाद जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं वो जो कि इसका राइट आंसर होगा 39 क्वेश्चन का ए होगा, जो कि स्वामीनाथन जो कि राइट आंसर होगा। उस 40 नंबर जो कि प्रश्न, Who has been the appointed as the head of the meditation panel ऑन अयोध्या राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद डिस्प्यूट केस, तो जरा कि ए जस्टिस जे एस खेहर, उस तो बाद बी आ जस्टिस दीपक मिश्रा, उस जस्टिस ए के छिकड़ी, उस डी आ जस्टिस एफ एम कलीफुला। जरा कि राइट आंसर होगा 40 का वो डी होगा, जस्टिस एफ एम कलीफुला। उस तो बाद अपन जरा कि 14 नंबर जरा कि देखते हैं प्रश्न, जरा कि 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। ए परसन हु गोज अंडरग्राउंड द अवेट्स द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट इज नोन एज, उसका जरा कि चार ऑप्शन ने, उस जरा कि राइट आंसर दसना चाहवागा, जरा कि 41 का जरा कि एदा राइट आंसर होगा, ये तुम नोट करते जाए। उस तो बाद जरा कि 42 के बाद चलते हैं। 42 की कह रहे हैं प्रश्न, द ऑफेंस ऑफ ब्रेकिंग ए डिवाइन आइडोल इज कॉल्ड, तो ये चार ऑप्शन है, तुम इस देखना है, तो यह जरा कि सही आंसर होगा 42 का वह होगा ए, इज द राइट आंसर होगा। उस तो बाद 43 की गल करते हैं, द कॉन्सैप्ट हो जा जुडिशियल रिव्यू इज़ द बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए रशिया USA UK जर्मनी, जो कि कॉन्सैप्ट जुडिशियल रिव्यू आ वो कॉन्सैप्ट कितों कि देश की कॉन्स्टिट्यूशन तो लेता गया, तो उसके बाद देखते हैं जो कि 43 का सही आंसर होगा बी होगा, USA तो लेता गया। तो हरेक फंडामेंटल राइट्स जोड़े कि वह किसी होर संविधान तो लेते गए हैं, ह्यूमन ड्यूटी जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज आ अलग अलग देशों तो अलग अलग आप कॉन्स्टिट्यूशन मिक्स करके एक अपना संविधान बनाया, बहुत वधिया संविधान है, सब तो बड़ा संविधान इंडिया का गा। उस तो बाद 44 की गल करिए, 44 विच की है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इनकलूडेड पर प्रेम्बल नहीं है, सोशलिस्ट, जस्टिस, फैटर्निटी, उ तो मोरलिटी। तो यह राइट आंसर होगा 44 का राइट आंसर जरा कि डी मोरलिटी। उस तो बाद तुम्हें पता फंडामेंटल जो कि ये बहुत सारे प्रेम्बल भी होंगे ने, वो तुम देख लो प्रेम्बल दे। उस तो बाद 45 नंबर जरा कि प्रश्न है, ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी इम्पीच और रिमूव फ्रॉम द ऑफिस ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ क्रिज, तुम ये आंसर दे सकते हो, ए ऑप्शन है ग्रॉस इनफेंसी। ये राइट आंसर जरा दसना चाहवागा, राइट आंसर जरा कि 45 का सी आंसर है, इसका राइट आंसर सी है। उस तो बाद जरा कि 46 का आप उस क्वेश्चन रीड करते हैं, नो वन कैन बी कन्वेक्टेड ट्विस्ट फॉर द सेम ऑफेंस द प्रिंसिपल इज नोन एज, तो की कहें ने उसनों जो कि आंसर जो कि चार दिते हुए सैल्फ जड़े कि चार ऑप्शन दिते हुए तुम देख सकते हो। तो यह जो कि 46 का राइट आंसर होगा डी डबल जियो पार्टी, जो कि सही प्रोनाउंसिएशन जो भी है, तो यह जो कि डी का राइट आंसर होगा। उस तो बाद 47 के वाल चलते हैं, द टैंपरेरी रिलीज ऑफ द प्रिजनर इज नोन एज, मतलब कि टैंपरेरी जो कि रिलीज़ किया जाता है
एक जेल च जा के कैदी हों कैदी तो वे ऑप्शन चार दिते हुए ने आप राइट आंसर की गल करते हैं। 47 का राइट आंसर है ए पैरोल, इनू किसी ने कहते हैं। उस तो बाद आप देखते हैं 48 के वाल जे कि अज की आप वीडियो 50 नंबर जे कि ओनली 50 के प्रश्न डिस्कस करा जे बाकी दे अगली वीडियो करा तो ध्यान देना ये वीडियो वो तो वो शेयर करना ता जो किसी ना किसी के ये काम आ सके तो वह अपनी LLB की तैयारी कर सके ना कि इकले पंजाब यूनिवर्सिटी वास्ते है। बहुत सारिया यूनिवर्सिटियां ये पेपर कंडक्ट कर दी तो इसमें भी पढ़ के किसी होर यूनिवर्सिटी की भी तैयारी कर सकते हो। तो कली पंजाब यूनिवर्सिटी की नहीं गल कर रहा मैं होर यूनिवर्सिटियां की भी गल कर रहा। तो हम जो कि 48 जो प्रश्न उस देखते हैं। इफ ए विटनेस मेक स्टेटमेंट इन कोर्ट नोइंग इज टू बी फॉल्स ही कमिट्स द ऑफेंस ऑफ, तो ये जो चार ऑप्शन दिते हुए हैं तुम देख सकते हो। तो इसका जो 48 का जो कि राइट आंसर हो गया बी परजूरी। उस तो बाद आप 49 की गल करते हैं। हसबैंड एंड वाइफ हैज़ राइट ईच अदरस कंपनी विच राइट इज गार्ड, उस राइट नूं की कहने हैं। ये जो कि ऑप्शन चार दिते हुए हैं तुम देख सकते हो। इसका जरा कि राइट आंसर होगा 49 का वह पी होगा कंजुगल राइट, इसका राइट आंसर है। उस तो बाद लास्ट अपने को प्रश्न बचता है पब्लिक होलीडे डिकलेयर कौन करता तो वह कि अंडर आता सिविल प्रोसीडर कोड उस जिन्हें कि IPC इंडियन पैनल कोड IPC की धारा जिदा बोलते हैं ना उस तरह ये IPC है। उस तो बाद सी है जो कंस्टीट्यूशनल ऑफ इंडिया कंस्टीट्यूशन जो कि उस तो बाद नैगेटिव इंस्ट्रूमेंट एक्ट जरा कि वह जो कि राइट आंसर होगा ये 50 नंबर का राइट आंसर है डी नैगेटिव इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के थ्रू ये पब्लिक होलीडे जे कि डिकलेयर किए जाते हैं। जोड़ा कि ये वीडियो मैं कोशिश की है कि जोड़ा वो पेपर है वह बहुत ब्लर सेगा उसनों मैं एक PPT के रूप में लिखा उस तो बाद इसनों अनाउंस किया। जेकर किसी भी स्टूडेंट को या कैंडीडेट को कोई भी दिक्कत आती है तो वह मैं डायरेक्ट कमेंट कर सकता गा। अगर अगला पार्ट चाहते हैं जो यूनिवर्सिटी इस पेपर का तो मैं जल्दी ही अपलोड कराँगा। तो मैं इसका लिंक इस जो भी करना मतलब लैके आवाँगा तो इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन या बायो देवगा तुम डायरेक्ट जाके सैकंड पार्ट देख सकते हो। तो जो कि यह जो कि 100 नंबर का प्रश्न पेपर आएगा उस 50 नंबर का अपना जो कि कर चुके हैं डिस्कस तो होर भी बहुत सारे अपना यूनिवर्सिटी के पेपर लेके आवेंगे डिस्कस करा। जेकर यह वीडियो तुम्हें वधिया लगी तो लाइक तो शेयर करना ना भुलना। जे तुम अजे भी साडा चैनल सबसक्राइब नहीं किया तो तुम जाते जाते साडा चैनल सबसक्राइब करो तो बैल आइकन दबना ना भुलना। तुम जल्द ही तुहाडे लई नवीं वीडियो लेके आवेंगे जिसका सैकंड पार्ट लेके आवेंगा। तब तक लई धन्यवाद।